साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लिवोसिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन टैबलेट जो है इसके हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे और इसका उपयोग क्या क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ लिवोसिट्रिजिन टैबलेट, साइड इफेक्ट की बात करेंगे साथियों साथ ही साथ डोजेस की बात करेंगे, एंड प्रिकॉशन एंड इंट्रक्शन और ब्रांड्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी किस नाम से बनाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लिवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 5 mg टैबलेट। तो लिवोसिट्रिजिन टैबलेट होता क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे। लिवोसिट्रिजिन इज एन एंटी हिस्टामिन यूज टू रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स। ये क्या होता है, एलर्जी में उपयोग की जाती है एंटी हिस्टामिन जो है टैबलेट होती है। जैसे किसी का जो है ठंड का टाइम है या बहुत जो है कोल्ड आइसक्रीम खा लिया है या इस तरह से ठंडक लग गई है तो उसको जुखाम के साथ साथ उसकी जो है वाटरी आइज़ हैं, आँखों से पानी गिर रहा, लाल है, नोज नाक बह रही है, तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाती है। साथ ही साथ जो है आई और नोज में इचिंग हो रही है, बार बार जो है एकदम यूं यूं कर रहा है इस तरह से और छींक बहुत आ रही है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग है ये एंटी हिस्टामाइन टैबलेट लिवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 5 mg टैबलेट। तो इट यूज्ड इन एलर्जिक सिम्टम्स सच एज वाटरी आइस, रनिंग नोज, इचिंग आइस एंड नोज एंड स्नीजिंग, और मतलब छींकने में। इट इज आल्सो यूज्ड टू रिलीव इचिंग। ये क्या होता है, खुजली में, जैसे क्या होता है अर्टिकेरिया, पित्ती हो गई या कहीं पे चकत्ते पड़ गए स्किन में या कहीं पे ददोरा पड़ गया या किसी मतलब हनी बी ने काट लिया और हाइव्स में इसका उपयोग हुआ है। तो क्या होता है, खुजली और इचिंग में कहीं पे जैसे गर्मी की वजह से क्या होता है, नीचे घर्षण होता है, जैसे अंडरवियर पहने हैं और वहाँ पे क्या होता है कि इचिंग होने लगती है, तो उसमें भी इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। एंड इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग दी सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस, मतलब हिस्टामाइन जो नेचुरल सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर है उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ये मैकेनिज्म एक्शन है, ये ब्लॉक कर देती है दैट बॉडी मेक्स ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन एंड अनएलर्जिक रिएक्शन, मतलब फिर एलर्जी उसको नहीं होती है। साथियों यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका उपयोग जो है अर्टिकेरिया में होता है, जिसको हम पित्ती कहते हैं हिंदी में, एलर्जिक राइनाइटिस में होता है जिसमें कि रनिंग नोज है, रनिंग आई है एंड स्नीजिंग है, इचिंग है, इचिंग नोज है, इस तरह से अभी हमने डिस्क्रिप्शन में बताया है। साथ ही साथ जो है स्नीजिंग छींकने में इसका उपयोग है। और ये क्या होता है साथियों, जैसे किसी को जैसे एंटी एलर्जिक है, जैसे किसी को कोल्ड आ गया मौसम चेंज की वजह से, तो जैसे पैरासीटामोल डॉक्टर ने लिखी है उसके साथ साथ इस दवाई का भी उपयोग किया जाता है। साथियों एक चीज़ और भी बताऊंगा, सिट्रीजिन जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन ये दवाई है। सिट्रीजिन का जो डोज होता है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम होता है, बीडी डोज होता है एडल्ट में, और उसमें क्या होता है सेडेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब नींद आना, झपकी आना, उस तरह से शरीर ढीला पड़ जाता है। पर इसमें क्या होता है, सिंगल डोज है, इसका उपयोग जो है हमेशा शाम को या रात को किया जाता है और इसमें सिट्रीजिन के कंपेयर जो है सेडेशन कम होता है, तो ये इसका जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथियों साथ ही साथ हम डोज की बात करेंगे तो 5 mg टैबलेट है, वंस डे खाई जाती है एट बेड टाइम या खाने से पहले, जैसे 5 या 6 बजे शाम को खा लें या रात में खा लें। तो ये दिन में एक बार उपयोग की जाती है एडल्ट डोज, और 6 से 11 साल के बच्चे हैं तो उसमें 2.5 mg ओरली वंस ए डे इन ए इवनिंग और नाइट, जो है इवनिंग या नाइट में दी जाती है। और बहुत छोटे बच्चों के लिए जो है इसका सीरप आता है जो कि एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन। साथियों साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के, बहुत से मरीज इसको उपयोग करते हैं तो उसके अंदर देखा गया है ड्राउजनेस हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है और मुंह के आसपास सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वीकनेस लगने लगती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, फीवर और कफ होने के चांस हो जाते हैं, जैसे इसको खाने से शरीर में हरारत होती है, ये एक तरह के साइड इफेक्ट हैं पर ऐसा बहुत रेयर होता है। साथ ही साथ प्रिकॉशन की बात करेंगे, इसमें प्रिकॉशन में क्या होता है, जैसे किसी के प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है ओल्ड एज में तो उसमें इस दवाई का सेवन ना करें, या फिर डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, इस दवाई को पहले कभी खाया है और आपको नहीं सूट किया है या सूट किया है, या आप कोई दवाई पहले से चल रही है या किसी तरह की बीमारी है, तो वो सब कुछ बताना है केस स्टडी। और किडनी प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि किडनी के फंक्शन को थोड़ा सा धीरे कर देता है, किडनी के फंक्शन को स्लो कर देता है, तो ये इसके जो है प्रिकॉशन है। इन लार्ज प्रोस्टेट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, किडनी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे तो इसका जैसे बेनाड्रिल टैबलेट, अगर कोई बेनाड्रिल सीरप या टैबलेट कोई ले रहा है तो उसमें क्या होता है साथियों, डाइफिन हाइड्रामाइन मिला होता है,
तो इसलिए इसको इसके साथ उपयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई आदमी एस्पिरिन खा रहा है तो उसको उपयोग नहीं करना है। अगर कोई आदमी फैक्सोफेनाटिन मतलब कि एलिग्रा जो ब्रांड नेम एलिग्रा अगर वो खा रहा है तो उसके साथ इसको जो है नहीं खाना है, क्योंकि ये इंट्रैक्शन कर सकती है। साथ ही साथ आइबुप्रोफेन है, पिटनीसुलोन है, सिट्रीजीन है, सीटीजेड जिसको कहते हैं, उसके साथ इसका उपयोग नहीं करना है। किसी को रीनल की प्रॉब्लम है, रीनल इम्पायरमेंट है या यूरिनरी रिटेंशन होता है तो उसको ये है, मतलब नहीं देना है। साथियों साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके ब्रांड्स की। तो साथियों जो हमारे पास टैबलेट है ये जो है गवर्नमेंट सप्लाई उत्तर प्रदेश की है, ये एप्पल फार्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, ये सरकारी अस्पताल में सप्लाई में आती है। अदरवाइज लिवोरिड, लिवोरिड एक सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी टैबलेट बनाती है, सिप्ला की लिवोरिड के नाम से बहुत मशहूर है। 1AL FDC कंपनी बनाती है, लिवोसिट्रीजिन का ही फार्मूला है। साथियों फार्मूला सभी में सेम होता है, कंपनी अपने ब्रांड को अलग अलग नाम से जो है बेचती है, सेल करती है। तो लिवोरिड सिप्ला फार्मास्यूटिकल जिसमें लिवोसिट्रीजिन ही होता है पर उसका ब्रांड नेम है, AL होता है, FDC का होता है, और सिरीजिन जो है एमक्योर फार्मास्यूटिकल का ब्रांड है, और इलरिज जो है जीवंटिस का है, साथ ही साथ ग्लेनसेट ग्लेनमार्क कंपनी का है, और सबसे फेमस ब्रांड है एलसीजेड आप किसी भी दुकान पे जाएंगे बताएंगे मोस्टली अवेलेबल होता है, रैपरॉस कंपनी का है, एंड लीकोप जो है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का ये ब्रांड है। तो साथियों इसी के साथ हम विराम देंगे, और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कोई तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करें। साथियों नमस्कार।